chapter number 2 ratio. What is ratio? Jab hum kahenge ratio, to ratio is comparing of two and more things. Theek hai, two and more quantities. Comparing of two and more quantities. It compares two or more quantities in same unit. यूनिट का सेम होना लाजमी है, ठीक है। अगर किलोग्राम है तो 273 किलोग्राम होना चाहिए, मीटर है तो 273 मीटर होना चाहिए, ठीक है ना। इंसान के साथ इंसान होना चाहिए, जानवर नहीं। इसी तरह जब हम कंपेयर करते हैं बेटर को, ये इससे बेहतर है, इट इज़ बेटर देन दिस वन, ठीक है। दो चीज़ों का हो गया। अगर हम तीन चीज़ों कहेंगे कि दैट वन इज the best among them, और उसको हमने इससे दो नुक्ता लगाकर हमने एक्सप्रेस करना है, ये ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, हाउ सपोज टू बी ए रेशियो बी, तो ये हो गया सपोज टू बी ए की वजन 4 kg है और बी की वजन जो है 5 kg है, तो हम क्या कहेंगे 4:5। Ratio can be simplified by dividing and multiplying by common factor. ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि this versus so on, ठीक है। अगर this का वेट है 40 kg, सवान का वेट है 50 kg, ठीक है। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, 40:50 हो सकता है, लेकिन हमने क्या किया, इसको हमने ये डिवाइडेड बाय 10, इसको भी हमने क्या किया डिवाइडेड बाय 10, तो 40 को 10 से डिवाइड किया 4, और 50 को हमने इसे डिवाइड किया 10 से डिवाइड किया 5, तो ये हमारा आंसर आ गया 4:5, ठीक। जॉन जो बच्चे हैं, जॉन एंड पीटर, ठीक है। जॉन की जो हाइट है 1.6 meter और पीटर की हाइट है 180 cm। यहाँ देखो यूनिट अलग अलग हैं, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है, ठीक है। हमने दोनों को एक यूनिट में लेके आना है, या तो हम इसको मीटर दोनों मीटर करें या हम दोनों को सेंटीमीटर करें। तो हमें ये पता है कि 1 meter इज इक्वल टू 100 cm, या तो अब इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर बन जाएगा, या हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा। तो हमने क्या किया, ये हमारी मर्जी है, ठीक है। तो हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1.6 × 100, तो 160 cm, और ये आ गया 180 cm। अब दोनों एक ही यूनिट में आ गए। अब ये दोनों देखो, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। अब हमने क्या किया, इसको हमने मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हमने 10 से डिवाइड कर दिया, और इसे भी हमने सिंप्लीफाई करने के लिए डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। जब हमने 10 से डिवाइड किया 60 cm, और इसको हमने 10 से डिवाइड किया 18 cm। ये और भी हो सकता है डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दोनों एक जैसे, ये 4 हो सकता है लेकिन ये 4 से नहीं हो सकता है, कॉमन नहीं हो सकता, तो डिवाइडेड बाय 2, और ये भी डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 8 / 2 = 9। तो हमारा आंसर आएगा दोनों के जो रेशियो है 8:9, ये हमारा जो आंसर आ गया 8:9, ठीक है।